बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के रहम करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल की जो मेरी वीडियो थी ईद वाली, तो काफ़ी वायरल चली गई है। तकरीबन 30K व्यूज़ चले गए उसके, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भाइयों की सपोर्ट है मेरे साथ। तो अभी वीज़े के ऊपर बात करते हैं। सवाल सारे उठ रहे थे इंडोनेशिया के हवाले से ना, वीज़े के और यहाँ पर शादी के हवाले से। तो मैंने सोचा कि एक मुकम्मल वीडियो बना दूं और सबको सेंड कर दूं ताकि सब लोग देख लें। सो जो वीज़े के लिए प्रोसेस है ना, इनका मुख्तलिफ वीज़े हैं और उनकी कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले नंबर पे जो जा रहे हैं वो है B211A, टूरिज़म पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। अभी टूरिज़म का जो वीज़ा है ना वो काफ़ी सस्ता हो गया है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। जस्ट आपका ID कार्ड, आपका कोरोना का कार्ड, आपका एक वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर और एक पासपोर्ट की पिक्चर, इन चार चीज़ों में आपका वीज़ा लग जाता है। ना कोई बैंक स्टेटमेंट है, ना कोई इंश्योरेंस वाला सिस्टम है। हमारी कंपनी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। आप लोगों ने अगर वीज़ा बाय करना हो, काइंडली आप मुझे कॉन्टैक्ट किया करें, मुझे डायरेक्ट बताया करें कि हम लोगों ने वीज़ा ख़रीदना है, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता गाइज। सो अभी बात करते हैं शादी के मैरिज डॉक्यूमेंट के हवाले से। डॉक्यूमेंट हैं वो, उनमें से जो है ना सबसे पहले नंबर पर है आपका एफिडेविट होना चाहिए, वालिदैन का इजाज़तनामा, और उसके बाद अनमेरिड सर्टिफिकेट, गैर शादाशुदा सर्टिफिकेट, उसके बाद पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, और चौथे नंबर पे जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो नादरा दफ्तर से बन जाता है भाई, बहुत सस्ते में बन जाता है, 1000-1200-1500 में बन जाता है। तो मुख्तलिफ़ कंट्री, मुख्तलिफ़ सिटीज़, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सिटीज़ के मुख्तलिफ़ प्राइजेज़ हैं। अच्छा, ये चार डॉक्यूमेंट कम्प्लीट हो जाती हैं। और क्वेश्चन थे भाइयों के शादी के हवाले से ना, शादी जो है ना आप फ़ायदे देखने के लिए ना करें, लेकिन ये है कि अगर फ़ायदे की बात करें ना एक साइड पर रख के सारी बातों को, तो इंडोनेशिया में जो शादी का सिस्टम है ना, एक तो यहाँ की ख़वातीन बहुत ज़्यादा लॉयल रहती हैं आपके साथ ना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लोग हैं ना यहाँ के, बहुत इज़्ज़त करने वाले हैं। और अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें ना, तो पाँव चूमते हैं यहाँ के लोग ना, पाकिस्तानियों की बड़ी कदर है। किसी मुल्क में चले जाएँ ना, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडोनेशिया में रिस्पेक्ट है ना हम पाकिस्तानियों की। तो कहते हैं ना कि जहाँ इंसान की इज़्ज़त हो ना, तो वहाँ बिना मतलब के भी रहना चाहिए। सो यहाँ पर बड़ी रिस्पेक्ट है। सो इस वजह से जो है ना आप शादी करें। बिज़नेस के हवाले से लोग पूछते हैं भाई, जॉब्स कोई नहीं करता यहाँ पे ना, जॉब हूँ भी ना तो कोई पाकिस्तानी यहाँ पे जब आके माहौल देखता है ना तो वो नहीं करता, वो बिगड़ जाती है। पाकिस्तानी इधर आके जब सिस्टम देखते हैं वो कहते हैं हम इतने अच्छे मुल्क में हम नौकरी करें, खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर लेती हैं। जिसके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख 4 लाख है, वो अंडू का काम शुरू कर देता है, वो छोटी मोटी चाय की दुकान खोल लेता है, कोई कुछ खोल लेता है, कोई कुछ। काफ़ी सारे ऐसे लड़के हैं और काफ़ी सारे लड़के जो पाकिस्तान में जो रिचेस्ट पीपल हैं, क्योंकि लोगों की दो कैटेगरी है ना, एक दरमियाने हैं, एक दरमियाने, एक अमीर, एक गरीब, एक उससे ज़्यादा गरीब। तो ये कैटेगरी है ना, तो सबसे जो रिच पीपल है ना वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को आके पकड़ते हैं, उससे जो डाउन तबके के लोग हैं ना वो 20 लाख जिनकी इन्वेस्टमेंट है, 25 लाख है, वो लॉन्ड्री और इस तरह के कोई बिज़नेस करते हैं। जो उससे डाउन है ना वो फिर ये अंडों का कारोबार, ये नारियल यहाँ पर बहुत सस्ता मिलता है, ये इस तरह के काम, उस तरह के काम। अब मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊँ ना, तो मैंने दुकान खोल के दी है अंडों की, एक औरत को मैंने वैसे ही खोल के दी है। 10 मिलियन का खर्चा आ रहा था इंडोनेशिया के, 10 मिलियन, पाकिस्तानी 1,36,000 रुपये बनते हैं। तो मैं, हमने ना, मुझे बिलीव नहीं था, मुझे मेरी बेगम कहती थी कि ये औरत पैसे खा जाएगी, तो मैंने कहा दे देते हैं, कोई मसला नहीं है, करे बिज़नेस। तो लड़की ने जो है ना वो बिज़नेस किया ना, कारोबार किया। उस ईमानदार औरत थी, इंडोनेशिया की खवातीन काफ़ी ईमानदार है। तो उस औरत ने जो है ना 3 महीने के अंदर, हमें खुद नहीं पता कि उसने बिज़नेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा, हम हाल हवाल पूछने गए, मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा कोई 1-2 मिलियन बचत आई होगी 2-3 महीने में। तो उस लड़की ने जो है ना 20 मिलियन उसने सामने रख दिया, उसने कहा ये आपकी लोगों की बचत है, आप मुझे इसमें से कितने देंगे आप मुझे बताएं। तो मेरा दिल, यकीन करें, इतना खुश हुआ और मेरा बिलीव इन लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि मैं अभी पाकिस्तानियों को प्रेफर करता हूँ आप लोग यहाँ पे आके बिज़नेस करें, क्योंकि जो सच्चाई है वही मैंने बतानी है। अब कुछ पाकिस्तानी कहती हैं हमने शादी करनी है, यहाँ पे आना है, कितना खर्चा होगा। मैं अगर उनको 5 लाख बताता हूँ तो वो डर जाते हैं, 4 लाख बताता हूँ वो डर जाते हैं। तो मैं तो उनकी भलाई के लिए बताता ना कि कल को उनके साथ कोई मसला ना बने ना यहाँ पर आके। मैक्सिमम खर्चा जो है ना शादी का, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। अच्छा, फिर मैं वो लड़के की बात कर रहा था ना, तो उसने 20 मिलियन आगे रखे पाकिस्तानी, तकरीबन 10 मिलियन के 1,36,000 और 1,36,000, आपको अंदाज़ा लगा लें कितने बनते हैं, डबल हो जाते हैं। और वैसे भी आज मेरा थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा। सो अच्छा, फिर उसने जो है ना मुझे
20 मिलियन पकड़ा दिए ना, उसमें से ना मैंने फिर हाफ हाफ कर लिए ना, वो जो हाफ किए ना हमने कहा कि हम इससे ना दूसरी दुकान बना लेते हैं। फिर ना हमने नारियल का काम कर लिया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वो मार्केट थोड़ी सी ना चीपेस्ट किस्म की है और इसी वजह से जो है ना उधर शोर और जो सिस्टम है ना उधर आमदरफ्त बहुत ज़्यादा शोर होता है, वहाँ पर वीडियो नहीं बना सकता मैं। और इसलिए जो है ना फिर एक ये भी मसला है ना कि वीडियो बनाने का वक्त भी नहीं मिलता ना मुझे, तो इसी वजह से। अच्छा खैर गाइस छोड़ें, तो फिर ना हमने उस पर है ना नारियल का काम, 10 मिलियन में नारियल का काम शुरू हो जाता है। अब नारियल कितना है, 30 रुपये पाकिस्तानी, 40 रुपये का एक नारियल है, इतना बड़ा नारियल होता है, ठीक है। उसका पानी 40 रुपये का, वो इतना ज़्यादा बिकता है ना, लोग इतना ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और इतना ज़्यादा चीपेस्ट है ना, आप लोगों की सर सोच है। मैं कहता हूँ कि अगर बिज़नेस करना है ना तुर्की, दुबई, मलेशिया, अमेरिका, ये यूनाइटेड किंगडम, इन सबको छोड़ें, आप इंडोनेशिया में बिज़नेस करें। लेकिन शर्त ये है कि पहले आप यहाँ पे विज़िट करें, आप देखें, आप भालें, आप फिर जो है ना आप यहाँ पे बिज़नेस करें। आप चाहे जिस तरह भी आप करेंगे ना काम, काम यहाँ पे सक्सेसफुल होगा इंशाल्लाह। बाकी भरोसा किसी इंसान पे नहीं होना चाहिए, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना इंसान को कामयाब वही करने वाली है। जब तक अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात साथ नहीं है ना, तो हम कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। हमेशा मैंने सुना है कि इंडोनेशिया की जो करेंसी है ना वो डाउन है, सो थोड़ा सा करेंसी के बारे में भी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं ना उनको इसकी चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। करेंसी जो है ना इंडोनेशिया की जो है ना, पाकिस्तान में 1000 रुपया जो है ना आप कमाएँगे ना या मजदूरी करेंगे या कमाएंगे ना, तो ऐसे पसीना ऐसे छूटेगा ना कि सर से लेके पांव तक ना पसीने पसीने हो जाएंगे आप 1000 कमाने में। चाहे आप कोई कारोबार भी कर रहे हैं ना, दुकान आपने बनाई है ना, अगर एक चीज़ आप जनाब 50,000 की सेल कर रहे हैं ना, उसमें से आपको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चीज़ भी जो है ना ऐसे सेल होगी कि उसको महीने लग जाएंगे सेल होते। जैसे आपके पास कोई बाइक का शोरूम है, गाड़ी का शोरूम है, या इस किस्म के कोई बिजनेसेस हैं, या कोई स्टेशनरी का सामान है जैसे वॉशिंग मशीन है, इस तरह की टीवियाँ शीवियाँ LED इस तरह के सेटअप है ना, तो वो भी ना कस्टमर काफ़ी पसीना देते हैं ना ख़रीदते वक्त। तो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पे लोग आते हैं, चीज़ पे हाथ रखते हैं, लेते हैं और छुट्टी। चाहे ब्रांड है चाहे लोकल है, कोई बार्गेनिंग नहीं है। कोई बंदा मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहते हुए सुना, भाई ये तुम यहाँ पर जो है ना सब्ज़ी 100 रुपये किलो दे रहे हो, फलां तो 80 रुपये दे रहा है। मैं बेगम से भी पूछता रहता हूँ, इस तरह के तजर्बात भी करता रहता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। मार्केट में डेली जाता हूँ मैं, पेट्रोल जो है ना यहाँ पे सस्ता है। किसान के 84 या 85 रुपये लीटर लेट है, 85 रुपये लीटर पे जो है ना पाकिस्तान यहाँ पे प्रतालित, प्रतामा, प्रतामैक्स मुख्तलिफ किस्म का है जो पर। लेकिन ये है कि यार पाकिस्तान की करेंसी जो है ना डाउन है, इंडोनेशिया की नहीं है। पता है क्यों? इनका जो 1 लाख है ना इंडोनेशिया का, वो पाकिस्तान में अगर जाए ना तो वो 1470 रुपये बन रहे हैं इस टाइम। सो इनका जो है ना 1 लाख मतलब कि पाकिस्तान में जाएगा ना तो 1470 रुपये बनेंगे। अब 1 लाख कमाने का मकसद ये नहीं है कि आप कि मतलब 30,000 रुपये सैलरी है और जनाब आप 3 महीने 1 लाख इकट्ठा करेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप 10 मिलियन जिसको एक जूटा बोलते हैं यूँ कमा सकते हैं, यूँ आप एक दिन में कमा सकते हैं, आप कोई छोटा मोटा बिज़नेस से कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रेडी लगाई आपको 1000 रुपये बचत होगी पाकिस्तान, नहीं, आप 10-10 हज़ार का यहाँ पे कमा सकते हैं। आप रेडियम भी लगा सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत है ना आप उतना कर सकते हैं। तो वीज़ा जो है ना B211A जो ओपन है ना, 2 महीने का वीज़ा है, उसके बाद जो है ना जो लड़के शादी के लिए आते हैं ना 4 डॉक्यूमेंट लेके, 5वां जो है ना NOC मिलता है जकार्ता एम्बेसी से। तो ये 5 डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो गए तो ये जनाब इनका दफ्तर है, काउआ ऑफिस है, वहाँ ये डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, कागजात वहाँ पे जाके जमा होते हैं। अच्छा, जब ये कागजात जमा होते हैं उसके बाद वो एक बुको निकाह इशू करते हैं। उस बुको निकाह के ऊपर पाकिस्तानी सिर्फ आप 36,000 रुपये में, 36,000 रुपीज़ पाकिस्तानी में आप यहाँ का इतास जिसको बोलते हैं, इतास या किताश भी बोलते हैं, एक ही चीज़ है, वो अप्लाई करवा सकते हैं। वो एक लाइसेंस भी है और इसके अलावा उस पर मल्टीपल एंट्रीज हैं। आप पाकिस्तान में 10 दफ़ा जाएं, 15 दफ़ा जाएं, कोई नहीं रोक टोक करेगा, कोई नहीं पूछेगा। जिस तरह इमिग्रेशन सवाल करती है तो ये कोई नहीं सवाल करेगा आपसे, तो वो आप किताश अप्लाई करवा सकते। अच्छा, वीज़ा जो है ना वो 36,000 पाकिस्तानी जो है ना 36,000 में किताश मिल जाता है। जब वो ख़त्म होगा फिर एक और साल का मिलेगा। जब ये 2 साल आपके ख़त्म होंगे ना फिर इकट्ठा आपको ना 3 साल का मिलेगा, और जिसका जो वैलिडिटी है वो 3 साल होगी, और उसके बाद जो है ना आपको यहाँ का ना पासपोर्ट मिल जाएगा इंडोनेशिया का। वैसे इनके किताब पे आप किसी मुल्क में आराम से ना इजीली जा सकते हैं, वाइफ को साथ लेके ना, या अकेले भी जा सकते हैं आराम से, ऑस्ट्रेलिया वगैरह और इस तरह के मुल्क में ना आप इजीली एंट्री मार सकते हैं। सो यहाँ पर जो है ना शादी करने के बड़े फ़ायदे हैं जो यहाँ पर आके आपको समझ लगेगी।
और मज़ीद जो है ना, अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह आप पाकिस्तान में रहें, आपका मुल्क है, बल्कि मेरा मुल्क है, हमारा वतन पाकिस्तान है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतरीन करें इंशाल्लाह। और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह यहाँ के लोग पाकिस्तान में जाएंगे और उस वक्त का हमें इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह। बाकी नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और किसी को अगर वीज़ा चाहिए हो तो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकता है। और मुझे गाइस इतने ज़्यादा मैसेजेस ना किया करें, मुझे शॉर्टकट में बताया करें, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। आप मेरा बिलीव करें गाइस, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। सो मेरी मुमकिन कोशिश होती है कि हर बंदे को मैं हर बंदे के साथ मैं मामला क्लियर रखूँ, हर बंदे को मैं क्लियर कट करके बताऊँ। जो टिकट और वीज़े का जो ख़र्चा है, टिकट तकरीबन अभी महंगी है, टिकट तकरीबन 1,95,000, 2,00,000, 20,30,40,50,25,00,000 तक जा रही है। तो वो भी महीने बाद की, मतलब एक महीने पहले आप बुक करते हैं ना तो इतने की मिलती है। अगर ऑन दी स्पॉट आप बुक करते हैं 3,70,000-3,80,000 की है टिकट। तो ये जो टिकट है ना, सस्ती अगर चाहिए ना आपको 1,70,000-76,000 तक भी मिल सकती है। और जो है ना, कुल मिला के जो ख़र्चा है ना आपका यहाँ पे आने का, यहाँ पे घूमने फिरने का, अगर आप शादी के लिए आ रहे हैं ना तो 3,00,000 आपके लिए काफ़ी है। अगर आप घूमने फिरने आ रहे हैं ना, फिर आप अपने हिसाब से 1,70,000 की टिकट है तो इस हिसाब से जो है ना फिर ख़र्चा जो है ना वो इतना बन जाता है। तो ये सीन है, ये सेटअप है जनाब, और 3,500,000 खर्च हो जाता है। अगर वैसे आप किसी के बिहाफ पे नहीं आ रहे, अपने सर मुँह पे आ रहे हैं, बिज़नेस देखने के लिए आ रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने पैसे लेके आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।